वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि स्टोन के बैटलमेंट बनाए चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने सर्वर पे ज्वाइन किया था तो मैं देखा कि मतलब मुझे वैसे मैसेज आया कि ट्राइक ने मुझे मार दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि है ना अभी स्टोन के बैटलमेंट बनाना चाहिए, जिससे अपना बेस सुरक्षित रहेगा बाकी डायनासोर से, क्योंकि अभी मेरे बेस का जो मेन पार्ट था, जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको, रिफाइनिंग फोर्ज, बाद में स्मिथी और ये मोल्टा और पेस्टल, बाद में कैंप फायर जहाँ पे मैं मेरा वो मीट पकाता था, वो सब तोड़ दिया उसने। और जबकि मेरे रिफाइनिंग फोर्ज में 200 मेटल इनगट्स तक पड़े थे। मैं सोचा था उससे बंदूक की गोलियाँ और थोड़ी अच्छी बंदूकें वगैरह बना लूँगा या कुछ और बना लूँगा, लेकिन उसने पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा और ट्राइक ने नहीं किया, ये रैप्टर ने किया, क्योंकि दरवाजे टूटे हुए थे। अभी इसको बताता मेरी शक्ति क्या है। चलो मारेंगे अब इसको, मारा मारा। अरे यार ये क्या करते, बढ़िया बहुत डैमेज दे रहा है, तो छोड़ूंगा नहीं इसको, मार ही डाला बस, मर गया बस, आखिरकार मार दिया। तो चलो अब ये सूट पहन लेते, क्योंकि शायद इसने निकाल दिया जैसे मरे वैसे, इन्वेंटरी में डाल दिया उसने वापस। जो थोड़ा सा और तोड़ता हूँ स्टोन और बेस की तरफ जाते हैं, और दिखाता हूँ आपको क्या क्या टूट चुका है बेस में का। और उसने शायद मैं पेट्रोडॉन को भी डैमेज किया होगा, आई होप अच्छे हो दो दो पेट्रोडॉन मेरे, क्योंकि दूसरा वाला मैंने मेरे साथी के लिए टीम किया था, क्योंकि हम दोनों को मेटल दे लेने जाना पड़ता है ना उसके वजह से। यहाँ पे अरे यार यहाँ पे पूरा एक हैच का तोड़ दिया, ये कंपोस्ट बिन तोड़ दी मेरी, एक यहाँ पे पीछे से जगह तोड़ दी, कितना सारा तोड़ दिया यार। देखिए और मैं बैटलमेंट बना भी रहा था, सोचा ही था ये बनाने का, ये ट्राइक ने तो नहीं तोड़ा ऐसा चीज़ें, क्या मालूम। ये स्टोन के बैटलमेंट बनाना ज़रूरी है, इसकी हेल्थ भी अच्छी खासी है, कोई डैमेज नहीं कर सकता इसको जल्दी। देखते पेट्रोडॉन है कि नहीं दूसरा, हाँ 3 टेम्स देखते हैं, 89 लेवल है पेट्रोडॉन है, इधर इसको रिक्वेस्ट कर लेते। अरे घर के अंदर जा, लैग मत कर रहे। देखिए यहाँ पे ये 2 फ्लोर टूट चुके हैं हमारे, और ये 4 भी टूट गया हमारा। अच्छा हो गया चेस्ट नहीं तोड़ा उसने, नहीं तो पूरा ही ख़त्म कर देता था वो तो सामान हमारा। ये फाइबर वगैरह सब तो भी है अभी, जिससे अपने बना तो भी लेंगे और जो और बाद में बाकी की चीज़ें। अभी मैं सोच रहा हूँ ये सब स्टोन का ही करना चाहिए, और ये डोर फ्रेम भी, मतलब डोर भी स्टोन का ही कर लेता है। हाँ गाइस, और मैंने इसमें अभी वो जो बैकग्राउंड वॉल्यूम होती है ना आर्क की, मतलब ये पत्थर तोड़ने की या झाड़ तोड़ने की, वो बंद कर दी, क्योंकि है ना पिछले वीडियो में देखा ना आपने कितना पानी का बकवास आवाज़ आ रहा था, जिससे मेरा आवाज़ बहुत कम हो गया था, क्योंकि मैंने एकदम कम रखा था, लेकिन तब भी वो शायद है ना SFX वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, इसके लिए आ ही रहा था आवाज़। तो मैंने अभी उसको बंद कर दिया, इसके लिए आवाज़ नहीं आ रहा अभी। अभी थोड़ा सा स्टोन तोड़ता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get... तो गाइस यहाँ पे अभी ये सब बना दिया, ये रिपेयर कर दिया, मतलब थोड़ा सा खाना भी पका लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगर बार बढ़ रहा है। और इसमें भी डाल देते थोड़ा सा, देखते अब क्या कर सकते हैं।
और मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता डीकेइंग का प्रोसेस। ऐसा करना चाहिए ना, जो प्लेयर ज़्यादा नहीं आ रहा उसको पहले एक वार्निंग देनी चाहिए, बाद में उसका सामान डीके होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर खेलते रहते हैं और बीच में से उनका डीके हो जाता है, कभी लेट हो गए या कुछ रहा या एग्ज़ाम रही वगैरह। तो अभी ये दरवाज़ा भी मैं उसका ही बना लूँगा, स्टोन का, थोड़ा सा स्टोन वगैरह कलेक्ट करके आता है, क्योंकि ख़त्म हो गए सब बनाते बनाते। और तो गए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, अब बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर लिया, फाइबर भी और ये फ्लिंट भी, और ये हाइड वगैरह मार के कलेक्ट कर लिया। और मैं सोच रहा हूँ अभी कि ये प्रिजर्विंग बिन के लिए स्पार्क पाउडर लगेगा, क्योंकि चार ही बचा है, और ये अगर ख़त्म हो गया तो ये सब खाना ख़राब होने लगेगा उसमें का, और मुझे इतना सारा मीट वेस्ट नहीं करना। देखते कोई प्लेयर हेल्प करेगा कि नहीं। यहाँ पे तो ये प्लेयर का घर आधा ही बना है ऐसा लग रहा है। अरे सरक जाए यार। अगर कोई प्लेयर हेल्प भी ना करे तब भी देखेंगे मेटल तोड़ के आएंगे, नहीं तो वहाँ से। ये मुझे ट्राइब वाले ने एक बार इनवाइट किया था, लेकिन मैंने उसको डिक्लाइन कर लिया। मैं उसको बोला कि मेरे ट्राइब में ज्वाइन कर, उसने भी मुझे मतलब ज्वाइन नहीं किया मेरे ट्राइब में। नहीं, यहाँ पे कोई तो भी प्लेयर है अभी ऑनलाइन, देखते ये बाहर आता है क्या। आ तो रहा है ऐसा लग रहा है, आ गया। हाय बोलते अब इसको, बंदूक रीलोड कर रहा, मैंने बंदूक से पॉइंट किए तो उसने भी रख लिया अंदर। चल इसको हाई करवाया है, बोलते देखते पूछ के स्पार्क पाउडर देंगा क्या। अरे टाइप का, हाँ जल्दी टाइप करो। अब देखते हैं देंगा क्या। ऐसा लग रहा है देंगा अभी। मैंने स्पार्क पाउडर किसी और को पूछा और कोई और कम बोल रहा है। मुझे लग रहा है देंगा अभी। मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा इसके बेस में, ऐसे ही कूद के शायद ये निकाल रहा है अभी पेट्रोल उनके इन्वेंट्री में से। कितना टाइम लगा रहा है, अनक्लेम इन 3 डेज। अरे ये तो चूना लगा के चले गया, ये दूसरे का डायनासोर यूज़ कर रहा है क्या, जो अनक्लेम इन 3 डेज लिखा है। या 7 दिन में कुछ भी करो तुम, कोई भी चीज़ डिकम्पोज होने वाली है, कितना भी कुछ उखाड़ लो तुम। मतलब अभी मैं कितना भी बैटलमेंट बनाऊंगा कि 7 दिन में ख़राब होने वाला है क्या, देखूंगा मैं अगली वीडियो में तक। मतलब कुछ ख़राब होता क्या, मैं तो बगैर काम में चीज़ें ख़राब होंगी। अभी थोड़ा सा आयरन तोड़ गया तो जान दीजिए स्पार्क पाउडर, बाद में अपन बना लेंगे खुद ही। अभी थोड़ा सा आयरन तोड़ते, तो गाइस यहाँ पे बहुत देर ग्राइंडिंग करने के बाद आखिरकार एक बैटलमेंट तो बन रहा है, और मैंने वो डोर वगैरह भी बना दी है उससे। यहाँ पे प्रॉक्सर की बॉडी कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, क्या मालूम क्या है सर्वर का।
अब ये यहाँ पे लगा रहते बैटलमेंट, एक तो काम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बैटलमेंट, ऐसा लगता है अपने अपन ने पूरा एरिया कवर कर लिया उतना। मैं सोचा अब मेरे सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में भी बैटलमेंट बनाना चाहिए, उसमें तो बहुत सारे डायनासोर है मेरे पास, उसको अलग जगह पर ट्रांसफ़र कर दूंगा जिससे लैग तो भी कम हो जाएगा थोड़ा। वैसे लैग नहीं होता तब भी। अब ये मीट इसमें डाल देता दूसरे चेस्ट में। ये बस डीके नहीं होना चाहिए, हर चीज़ फालतू के डीके होंगे नहीं तो। अभी अच्छा लग रहा है बैटलमैन, क्या मालूम दूसरा बैटलमैन कितना लंबा होगा। अभी ट्राई करते दूसरा बैटलमैन के लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करता थोड़ा सा और बनाता दूसरा बैटलमैन। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो यहाँ पे मैंने अच्छी खासी चीज़ें इकट्ठा कर ली है, अब देखते हैं इससे कितने बैटलमैन बन जाएंगे। एक भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। थैज भी डाल दिया, सब डाल दिया, क्या कम कर रहा था, डाल के देखते। लाना पड़ेगा वो भी। तो गाइस यहाँ पे मैंने अच्छा खासा एरिया साफ कर दिया और बैटलमैन बना दिया। ये हमारा दूसरा बैटलमैन यहाँ पे प्लेस हो चुका है गाइस, और यहाँ पे का पूरा जंगल वंगल सब उजाड़ दिया, पत्थर भी निकाल दिए ठोक ठोक के। इतना लंबा बैटलमेंट हो गया मस्त। यहाँ पे से दो नहीं तो तीन बैटलमेंट यहाँ तक जाएंगे, ये पैरासॉर जहाँ पे खड़ा है वहाँ तक, और बाद में ये पूरा एरिया कवर हो जाएंगे। और मैं सोचा पानी में से भी निकाल ही देंगे एक बैटलमेंट, एक नहीं तो वहाँ से भी कोई नहीं आ पाएगा मतलब। और देखते यहाँ से और क्या कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।